ओके तो मिस्टर गफारी, अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि एक वो तो है रहता ही है कि हर एस्पिरेंट की कहानी अलग है, हर एस्पिरेंट का जुनून भी अलग है, और हर एस्पिरेंट का कमिटमेंट भी अलग है। उसी तरह से हर एस्पिरेंट का प्रॉब्लम्स भी रहती है जो उसको फेस करता है। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि आपने बहुत कोई मेजर प्रॉब्लम इस समय तैयारी के समय फेस किया हो जो आप शेयर करना चाहेंगे? जी, तो मैं एक थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम है, मैंने ज्यादा किसी को बताया नहीं, बट सब बोल रहे हैं तो मैं शेयर करता हूँ। तो क्या हुआ था, लास्ट टाइम तो का जो अटेम्प्ट था, जब मेंस आने वाला था, मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी लास्ट अटेम्प्ट 2018 में। मतलब आई वाज थिंकिंग मैं आराम से टॉप में आ जाऊंगा, मे बी टॉप 20 या टॉप लाइक दैट। बट सडनली थोड़ा सा हेल्थ इशू हो गया था मुझे, मतलब बहुत ही एंड टाइम पे, मतलब बिफोर मेंस, 3 डेज बिफोर मेंस थोड़ा सा एंजाइटी मुझे प्रॉब्लम हो गया था। सडनली मुझे समझ में नहीं आया था कि वो क्या हुआ था। तो यही मेरा डिफरेंस लास्ट अटेम्प्ट में और इस अटेम्प्ट में, आई विल टेल यू कि मेंस के 3 दिन पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गया था। मतलब माय हार्ट बीट वाज रेसिंग एट अराउंड 130 कंटिन्यूअस। आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड बट इट वाज रियली प्रॉब्लमेटिक फॉर मी। तो मैं पता नहीं, वो एंड एंड में थोड़ा सा स्ट्रेस बिल्डअप हो जाता है। मतलब मैं टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छा परफॉर्म करता था, तो एक इनहेरेंटली आप लोड ले लिया मैंने कि नहीं यार एग्जाम में परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। टेस्ट सीरीज में ऑलमोस्ट टॉपर था मैं, तो फर्स्ट सेकंड मैम से ही, तो वो स्ट्रेस पता नहीं कहाँ से बिल्डअप हुआ और वो एंड में बहुत दिक्कत क्रिएट किया उसने। मतलब उसी वजह से मेरा मेंस थोड़ा अच्छा नहीं हो पाया था लास्ट अटेम्प्ट में। तो इफ आई सी यू नो दिस अटेम्प्ट, अगर मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि कितनी मुश्किल मैंने फेस की लास्ट टाइम में, बिकॉज आई हैड टू टेक सीरियसली, आई हैड टू टेक पिल्स एंड देन आई रोट द मेंस एग्जाम दैट डे समहाउ, एंड फॉर्चुनेटली मैंने ठीक ठाक स्कोर भी किया था उस अटेम्प्ट में। तो बहुत ही दिक्कत थी। तो इस अटेम्प्ट में अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैंने बहुत ही कूलली और बहुत ही कामली, मतलब मैंने सब कुछ हैंडल किया। मतलब लास्ट टाइम मैं देख चुका था कि यार अगर ज्यादा टेंशन लेंगे तो कुछ मतलब नुकसान ही होता है। ऑल्दो तैयारी अच्छी होने के बावजूद भी बच्चे टेंशन लेते हैं, तो स्ट्रेस आउट होने से आपका कर्व हमेशा नीचे ही जाएगा। आप इसलिए कूल रहिए, काम रहिए, ऐसी चीज करते रहिए जो आपको खुशी देती है। मतलब अगर ऐसा कोई दोस्त से बात करिए, वीडियो देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं, थोड़ा थोड़ा वो एलिमेंट रखिए ताकि आप मतलब बर्स्ट आउट ना हो। ज्यादा पढ़ने से कई बार ऐसा हो जाता है। तो इस बार जो मेरा मैंने बहुत ही आराम से दिया, मतलब कोई टेंशन नहीं था, बिल्कुल कूलली कामली पेपर में भी बैठा। जब तो स्टार्ट करने के पहले एक डीप ब्रीथ करके कॉन्फिडेंस लो कि यार अच्छा तैयारी करके आया हूँ, बस अच्छा ही होगा पेपर, गलत हो ही नहीं सकता मेरे साथ। तो वो चीज मेंटेन करना आई थिंक जरूरी है, वरना अच्छी तैयारी के बावजूद भी पेपर बिगड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि टॉपर्स भी और हो सकता है उनका एग्जाइटी। तो आपने मेडिकल कंसल्टेंसी वो की, मतलब किसी से कंसल्ट किया कि मुझे हो क्या रहा है करके? हाँ, मैं उस टाइम गया था, एक्चुअली जस्ट एग्जाम के एक दिन पहले जब मेंस था तो मैं गया था डॉक्टर के पास, बट ही वाज नॉट एबल टू फिगर आउट कि प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने यही बोला कि एंजाइटी है, बट ही वाज नॉट एबल टू गिव मी दैट कॉन्फिडेंस कि आप ठीक हो, बट फिर भी समहाउ ही गिव मी दैट पिल्स टू यू नो टू जस्ट रिलीव इट। बट उतना हेल्प मिला नहीं उससे। समहाउ आई रोट द पेपर दैट टाइम, बट दिस ईयर इट वाज वेरी फाइन, इट वाज वेरी कंफर्टेबल। आई थिंक बीइंग थोड़ा सा काम रहने का मुझे बहुत एडवांटेज मिला शुरू से, क्योंकि दिमाग में था कि नहीं यार लास्ट ईयर एक बार गलती कर चुके हैं, तो कुछ फायदा नहीं मिला था ज्यादा सोचने का, इसलिए कम सोचिए, जितना तैयारी किया है अच्छा ही होगा पेपर। तो उसी ध्यान रखना मुझे जरूरी है। और एक चीज और, कि देखिए एग्जाम है ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट हो सकता है ना निकले या दो अटेम्प्ट बना निकले, बट आई थिंक हेल्थ और लाइफ जो है वो इट इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स आई वुड से। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल वो चीज सही। ध्यान रखनी है हमेशा। और ये हेल्थ तो आपकी पूरी लाइफ काम आनी है, आपको उसी के साथ रहना है। करेक्ट तो फिर तो, और वैसे भी एग्जाम्स को एग्जाम्स की तरह ही लेना चाहिए, ये मैं आप कहना चाह रहे हैं मुझे जहाँ जी तक जी समझ मतलब में वो आया। होता है कई बार कि ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, क्या होगा कैसा होगा। मतलब जो हो रहा है तैयारी की अच्छे से, तो जो होना है वो तो हो गई, आपने पूरी तैयारी अच्छे से की, तो उसको बस एग्जीक्यूट करिए। आप ज्यादा सोचेंगे कि यार ये गलत हो जाएगा, इतना नंबर आ जाएगा, तो फिर दिक्कत होती है थोड़ी। तो ओवर यही मैं थिंकिंग, कहना चाहूंगा कि ओवर थिंकिंग मत करिए चीजों को लेकर। ओके। और फिर बेसिकली बर्नआउट अगर हो रहा है तो एक ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है, ऐसा जहाँ हाँ, तक ब्रेक समझ आ लीजिए, रहा है। बात कीजिए लोगों से। जी बिल्कुल। तो मिस्टर गफारी, ये तो आपका एक और एस्पेक्ट जो मालूम पड़ा है तो बहुत ज्यादा वो इमोशनल भी कर दे रहा है। ये आपने काफी सही में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी देखा हाँ, है। मतलब मैंने एक दो जगह और इंटरव्यू दिया है बट कहीं शेयर नहीं किया है, बिकॉज साथ में एक ऐसा लग रहा था कि ठीक है ये टाइम सही है शेयर करने का। आई थिंक एस्पिरेंट शुड ऑल्सो नो कि टॉपर्स भी एक ऐसे फेज से गुजरते हैं जहाँ पर बहुत दिक्कत होती है, तो ऐसा नहीं होता है कि उनकी जर्नी स्मूथ होती है। मतलब कई नहीं बार ऐसा दूर से देख के लगता है कि यार द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन अदर साइड, बट जो डिफिकल्टीज हमने फेस की है, जो टॉपर ने फेस की है, वो खुद ही जानता है कि कहाँ से गुजरा है वो, राइट। बिल्कुल तो शेयर बिल्कुल करना आई थिंक इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, यू आर नॉट अलोन, सबकी कहानियां कहीं ना कहीं एकदम सेम ही जी 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 है। बिल्कुल सही।